दोस्तों आज हम लोग मार्केट देखेंगे। यहाँ पे तो निफ्टी एक बहुत ही अच्छा क्लोज दिया है पॉजिटिवली, और ये सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट जो है कि एक पॉजिटिव क्लोज दे सकता है, मैंने कल आपको बताया था। तो मार्केट के लिए एक गुड न्यूज है, और मार्केट में और क्या इवेंट्स और न्यूज है उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और क्या ये सपोर्ट कंटिन्यू रखेगा कि नहीं रखेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में, तो आप वीडियो में देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 15 मार्च को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी से। दोस्तों हम लोग देखते हैं तो निफ्टी जो है कि 148 पॉइंट पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 191 पॉइंट नेगेटिव है। यहाँ पे अगर हम लोग कल मार्केट देखते हैं तो यहाँ पे जो कि जो कल की गिरावट थी, तो यहाँ पे बहुत ही मार्केट जो है कि डेंजर दिख रहा था। लेकिन कल मैंने आपको कहा भी था कि ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये चैनल है, इसका जो बॉटम मार्केट ने ब्रेक किया है, तो उसके लिए एक दिन हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कि ये बॉटम ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, उसके नीचे मार्केट दो दिन रेड कैंडल देता है तो ये कन्फर्म होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे कोई हॉल कैंडल या फिर एक पॉजिटिव कैंडल आता है और ये चैनल के ऊपर यानी कि आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो उसके ऊपर अगर क्लोज देता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। अभी जैसे कि कल हमने देखा मार्केट जो गिर रहा था, तो बिकॉज ऑफ जो मिड कैप में जो कि ब्लड बाथ हुआ था उसके वजह से। न्यूज कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि दो पॉसिबिलिटी है, एक तो कंटिन्यूशन होगा या फिर हॉल्ट होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग दूसरी जो ये सोच रहे थे, ये यहाँ पे होल्ड हुआ। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि जो एक नेगेटिव कैंडल बना था आज का, उसके लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए इसके लो के नीचे नहीं गया, प्लस ये ब्लू लाइन के ऊपर ये क्लोज हुआ। यानी जो हम लोग सेकंड थॉट सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और जो ब्रेकडाउन हुआ था ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली ऐसा कुछ बनता है, उसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, और रिवर्स हुआ तो कहाँ पर जाएगा। और जैसे कि हम लोग टेक्निकल सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि 100% होता है, टेक्निकल होता है 80%। यानी 80% अभी मार्केट यहाँ से रिकवर होगा, बट ये 20% नहीं होता तो क्या करना है। तो ये 20% के लिए जो यहाँ पे जो लेवल से नीचे 21900 एक इसका अभी सपोर्ट बन गया है। और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक स्विंग लो है 21855 यहाँ पे देखिए। तो मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था तो सबसे जो स्विंग लो है ये बन रहा था, जो बन रहा था 21855। तो इसकी हम लोग अपना टॉप लॉस ले सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो ये टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी मार्केट जो भी यहाँ से ऊपर जाएगा तो बहुत सारे यहाँ पे लेवल्स है, जैसे कि 22254 ये जो लेवल्स है ये पहले सपोर्ट का काम करता था, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, हमको ऊपर जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑल टाइम हाई 22526 ये होगा। जब भी मार्केट ये ऊपर ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मार्केट अगर ऊपर ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो कहाँ पे जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पे स्विंग लो, स्विंग हाई और ये फिर से अभी का स्विंग लो बना है। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे मार्केट तो जाना चाहिए जो कि ऑल टाइम है, और उसके ऊपर क्या टारगेट होगा ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसके टारगेट निकाले ये मैं आपके साथ शेयर करने को यहाँ पे देखता हूँ। तो मार्केट अगर ऑल टाइम है ब्रेक करता है तो ऊपर अगर हम लोग जाएगा तो ऊपर का जो लेवल्स है 23500 ये टारगेट आ सकता है। तो ऊपर के टारगेट भी हमारे लिए यहाँ पे ऊपर है और नीचे की भी। बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ जो आज का मार्केट क्लोजिंग हुआ, मैं निफ्टी के बारे में कह रहा हूँ, ओनली निफ्टी के बारे में अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो ये चार्ट हमको एक रिवर्सल होने का चांस दिखा रहा है, राइट, रिवर्सल का। लेकिन अगर नहीं जाता तो नीचे भी जो टॉप लॉस है पहले 21900 और जो अल्टीमेटली 21855 जो यहाँ पे स्विंग लो है ये आप यहाँ पे लगा सकते हो, या इसके नीचे जाता तो फिर से कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड हो सकता है, ये भी यहाँ पे याद रखना उतना ही जरूरी है। बट आज का जो चार्ट है हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव जा सकता है। इंट्राडे में हमको कल कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट का चार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग 5 मिनट में यहाँ पे देखेंगे तो ये देखेंगे मार्केट यहाँ पे जो ओपन हुआ, और ओपन के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा रैली किया, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो लेवल्स मार्केट ने ब्रेक किया, जो इम्पोर्टेंस था 21060 ये लेवल इम्पोर्टेंस था, अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेल के लिए देखेंगे। बाइंग के लिए 22254 ये जो लेवल्स है ऊपर, इसके ऊपर जाता तो ही हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए कल देखते हैं।
तो यहाँ पे दोनों भी लेवल थोड़ा ऊपर है, यानी कि जो मार्केट क्लोज हुआ उसके दूर है थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी होता है, तो तभी ये लेवल हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी बैंक। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन हम लोग एक बात देखेंगे तो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन बना है बैंक निफ्टी का, और ये बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के आज करीब आया और एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, एक नीचे क्लोज हुआ लेकिन देखो एक डोजी टाइप जिसको हम लोग हॉल्ट कैंडल बोलते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ से कल बैंक निफ्टी भी यहाँ पे रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा है। ऊपर का जो इम्पोर्टेंस लेवल है 47190, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंस है। 47190 के ऊपर अगर ये रिवर्स होता है कल, तो यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। और वैसे भी बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ, एक ट्रेंड लाइन के करीब आया, तो थोड़ा नीचे आके ये ट्रेंड लाइन को भी ये रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो भी अच्छा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आज नेगेटिव है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव नहीं क्योंकि इसने डोजी कैंडल बनाया, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है एक रिवर्सल का। बट लेकिन आज का लो, जैसे कि आज का लो अगर वो काटता है इंट्राडे में भी तो ये नेगेटिव है, और उसके नीचे 46558 के नीचे यहाँ पे सेल हो सकता है, और उसके साथ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव होगा। अदरवाइज ऊपर बैंक निफ्टी जाने के लिए यहाँ पे कोशिश करता है 47190 के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है। हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिकवर भी किया था, लेकिन यहाँ पे जो है कि 47190 के यहाँ से ये डबल टॉप बना के नीचे आया, तो बैंक निफ्टी में हम लोग सेल करेंगे। जो सेल का लेवल यहाँ पे रहेगा वो है 46558 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और बाइंग के लिए थोड़ा ऊपर वाला लेवल मैं लेता हूँ 47190, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जाता है तो ये हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। नेक्स्ट जो है कि फिन निफ्टी, तो यहाँ पे फिन निफ्टी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फिन निफ्टी ने भी यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, और ये बैंक निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं है बट थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो फिन निफ्टी का नीचे का लेवल जो है कि सपोर्ट है 26111, जो कि आज उसके थोड़ा नीचे गया था। ऊपर रेजिस्टेंस है नियर वाला, जो कि कल का कैंडल का हाई 29.57 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है। इंट्राडे में फिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय करेंगे, ऊपर 28.21 के ऊपर बाय करेंगे, और सेल यहाँ पे करेंगे 26.94 के नीचे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। दोस्तों कल हमने कुछ स्टॉक नहीं देखे थे, क्योंकि मार्केट जो है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा रिकवर होगा, और कल मोस्टली सेल के स्टॉक थे, इसलिए मैंने आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड नहीं किए थे। बट आज कुछ स्टॉक है जो कि सपोर्ट लेवल पे उन्होंने अच्छा किया है। यहाँ पे पहला जो है कि हम देखेंगे अडानी इंटरप्राइजेस, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट एरिया है, वहां से ये रिकवर हो रहा है, तो कल भी अगर 3101 के ऊपर ये जाता है तो हम लोग बाय करेंगे। 3222 के यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट रखते हैं। सेकंड है यूपीएल, अगर यूपीएल भी आप देखोगे तो परफेक्ट है, डिमांड जोन से इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये बहुत पॉजिटिव है, और ये जो है कि 464 के ऊपर जाता तो हम लोग बाय करेंगे। 476 के यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में और इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसको आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।